दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ, चाहे आप किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आपके बाल लंबे हो, छोटे हो, या फिर आप महिला हो या पुरुष हो, हर तरीके के बालों के लिए सूटेबल है और महंगे सलोन ट्रीटमेंट्स जैसा इफेक्टिव भी है। और हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनी और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपको एक एलोवेरा का पत्ता लेना है, उसे आप कट कर लेंगे और अंदर का सारा जेल निकालेंगे। और इसे आपको क्या करना है, ब्लेंड थोड़ा सा करके इसका जेल निकाल लेना है। पहले आप ब्लेंडर में इसे अच्छे से घुमा लेंगे थोड़ा सा, और फिर स्ट्रेन करके एक कटोरी में ले लेंगे। एलोवेरा जेल लगभग हर किस्म के बालों के लिए सूटेबल होता है और इसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्दी स्कैल्प को मेंटेन करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको ऐड करना है एक अंडा, और अंडा का जो है हम सिर्फ एग वाइट पोर्शन ही लेंगे, येलो जो योक होता है उसे हम नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो एग वाइट में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि एक तरीके से आपके हेयर के लिए आप कह सकते हैं केराटिन ट्रीटमेंट जैसा ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके हेयर रिलेटेड इश्यूज जैसे कि इचिनेस, डैंड्रफ और हेयर फॉल वगैरह, ये काफ़ी अच्छे से डील करता है। नेक्स्ट, इसमें आपको ऐड करना है लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब स्वीट आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। स्वीट आलमंड ऑयल जो होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए। इस ऑयल के रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्कैल्प की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होती है। साथ ही आप इसे मिल्क के साथ कंज्यूम भी कर सकते हैं। और आखिर में आपको यहाँ ऐड करना है भृंगराज पाउडर। जी हाँ, भृंगराज पाउडर जो है इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। और ये माना जाता है कि अगर आप एक रेगुलर टाइम के लिए अगर भृंगराज पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर है उन्हें ये रिवर्स करने में मदद करता है। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और अभी एक अच्छा मिक्स देना बाकी है। काफ़ी अच्छे से थोड़ा इत्मीनान से मिक्स कीजिए और देखिएगा, जब तक इसका एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना हो जाए तब तक आपको इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। आप चाहे तो एक बीटर की भी मदद ले सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। एज यू कैन सी, ये काफ़ी स्मूथ सा एक कंसिस्टेंसी आ चुका है इसमें। अब ये जो है मास्क है बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। आइए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। इसे अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो हेयर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हेना नहीं है तो आप ग्लव्स ना भी इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर कि आपके हेयर लेंथ को आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े सेक्शंस में डिवाइड करते रहना है और अप्लाई करते जाना है। और ध्यान दीजिएगा, अपने स्कैल्प पे आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। वंस आपने स्कैल्प पर पूरा अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद फिर आपको हेयर लेंथ पे लगाना है। और लगा लेने के बाद कम से कम आपको 40 मिनट्स to 1 आवर वेट करना चाहिए, फिर आप इसे वॉश ऑफ कर लेंगे। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम 10 या 15 दिन में एक बार इस हेयर मास्क का यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि ये हेयर मास्क बिल्कुल नेचुरल है और सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो ये बिल्कुल सेफ है। हर एज ग्रुप, हर हेयर टाइप के लिए सभी इसे लगा सकते हैं। बट स्टिल, किसी भी इंग्रेडिएंट को लेकर अगर आपके मन में शंका है तो आप क्या करेंगे, आप बैक साइड में अपने जो नेक एरिया होती है वहाँ पे आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप पूरे स्कैल्प और हेयर लेंथ में इस्तेमाल करें। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेश्चंस हैं या फिर एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस चैनल से बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।